अस्सलाम वालेकुम दोस्तों व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदी कहता हूँ। व्यूअर्स, एहसास बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से तमाम अपडेट्स वीडियो में दी जाएगी। इस वक्त 7000 के लोगों को दी जा रहा हूँ, ये 7000 किन लोगों को नहीं मिलेंगे इस बारे में बात की जाएगी, और साथ ही आपको 7000 के लिए रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी बताया जाएगा कि किन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो किस तरह करवा सकते। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप गौर से सुने ताकि आपको इस मालूम से फ़ायदा हो सके। और इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पहली बार तशरीफ़ लाएँ, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक माली इमदाद के हवाले से तमाम अपडेट्स मिलती रहे। व्यूवर्स, हुकूमत ने एक नया ऐलान जारी कर दिया है कि 7000 रुपये की किस्त जो है वो कौन सी डेट पे मिलने वाली है। तो मेरे भाई जो अहल हैं उनको 7000 की किस्त ज़रूर मिलेगी, मगर अभी तक जो है वो 7000 की किस्त किसी को नहीं मिली, तो ये बात कंफर्म है। मगर हुकूमत ने जो नया ऐलान कर दिया है, जो नया ट्वीट आया है, ऐलान हुकूमत का आया है, वो ये है कि 1 जनवरी 2023 को जो है वो 7000 की किस्त जारी कर दी जाएगी। और ये कहने सुनने में आ रहा है कि 7000 की जो है दूसरी किस्त भी आने वाले, यानी कि पहले 7000 और दूसरे 7000, 1 जनवरी को मिलने वाले 7000 दोनों की किस्त जो है वो मिलने वाली, यानी 14000 मिलाकर मिलने वाले। बाकी इस बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो मेरे भाई ना एले हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके लिए मेरी ये सलाह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रही, मगर दफ्तर की जानिब से जो है अभी तक सर्वे हो रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन है वो जारी है। तो आपने क्या करना है, आपने मियाँ बीवी दोनों हमरा के शनाख्त कार्ड लेकर दफ्तर जाना है और उनको कहना है कि हमारा रीसर्वे करें, यानी आपकी जो सर्वे में पिछली सर्वे में थी आपने कोई ना कोई गलती की होगी, इसलिए आपका जो है शनाख्त कार्ड अभी तक पैसे नहीं आ रहे। उसके अलावा जो जांच पड़ताल में है जिनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है, वो भी क्या करें, वो भी दफ्तर जाकर कहेंगे कि हमारे जो है अकाउंट में कोई ना कोई गलती है या कोई ना कोई फॉल्ट आ गया, इसलिए हमारे 7000 अभी तक रुके हुए और अभी तक वो जांच पड़ताल दिखा रहा है। तो काफ़ी अफराद के जो शनाख्ती कार्ड जो है ना वो 8171 पर डायल करते तो अभी तक जाँच पड़ताल में या 8171 वैलिडेशन में कोड में जो है वो भी 8171 पर भेजते हैं तो उनके ऊपर भी जांच पड़ताल आ रहा है। तो वो क्या करें, रजिस्ट्रेशन जाकर रीसर्वे करवाएंगे तो आपको इंशाल्लाह 1 जनवरी से 7000 रुपये की किस्त जो है मिलना शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा जो 25000 की किस्त ले चुके हैं, यानी सैलाब जदकान के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया था, उनको 7000 की किस्त नहीं मिलेंगी। उसके अलावा 1 जनवरी को ये हुकूमत का ऐलान भी आया था कि 1 जनवरी से जो सैलाब जदकान के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया था, जिनको 25000 की किस्त ले चुके थे, अब उनको भी 7000 की किस्त मिलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपका स्टेटस जो है 8171 पर आपने मैसेज किया था तो आपके पास जवाब कौन सा आया था, कि आपको जांच पड़ताल में या आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, या आप अहल हैं, या आपको बता रहे हैं कि आपकी जो है सर्वे नहीं की हुई 2022 में। और आपको आपका कोई अगर सवाल है कमेंट में तो वो भी हमें बताएं, हम इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर वीडियो बताएंगे और आपको हल बताएंगे कि आपने क्या करना है। मुझे इजाज़त है, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।